जिसकी चर्चा सन्यास से सियासत तक होती है, जो महाराज से मुख्यमंत्री बना, जो उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश पहुंचा। हम बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ के बारे में, जिनकी शख्सियत में कुछ तो ऐसी बात है यार, जो उन्हें हर किरदार में फिट करती है। आखिर कैसे अजय बिष्ट नाम का एक साधारण सा लड़का प्रदेश का सबसे ताकतवर इंसान बन गया, और योगी के बुलडोजर मॉडल की तारीफ विदेशों में भी क्यों होती है? आइए सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष। तो माथे पर चंदन और कान में कुंडल, शरीर पर भगवा और चेहरे पर आत्मविश्वास भरा मुस्कान। आप खुद सोचिए कि एक इंसान के जीवन में ऐसा क्या हुआ होगा जिसके चलते वह सन्यासी से राजनेता बन गया। योगी आदित्यनाथ के जीवन में हमें गोरखपीठ की परंपरा से लेकर लखनऊ तक के राजनीतिक दांव सब देखने को मिलते हैं। सुबह से शाम तक साधना करने वाला सन्यासी जब सत्ता में आ गया तो सबके मन में एक सवाल जरूर था कि जब सन्यासी के मन में कोई लोभ में नहीं होता है तो इनको सत्ता का लालच कैसे आया? देखिए, इसका जवाब पाने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। दोस्तों, संन्यास लेने से पहले योगी आदित्यनाथ का नाम अजय सिंह बिष्ट था, और ये हमारी और आपकी तरह एक साधारण से इंसान ही थे। इनका जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी जिले के एक गांव में हुआ था। अजय के पिता आनंद सिंह बिष्ट एक फॉरेस्ट रेंजर थे। इनकी शुरुआती शिक्षा की अगर बात करें तो पंचूर गांव से पूरी हुई है। खैर, साल 1992 जब देश में राम मंदिर की गूंज सुनाई दे रही थी, जब माहौल तनावों से भरा था, और जब धर्म के ठेकेदार, जी हाँ, धर्म के ठेकेदार की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, एक आहट का इंतजार कर रहे थे। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद गिरने के साथ साथ यूपी में कल्याण सिंह की सरकार गिरी, तो उस समय योगी आदित्यनाथ महज एक कॉलेज के स्टूडेंट हुआ करते थे। कोटद्वार से ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद सन 1993 में अजय यानी कि आदित्यनाथ गोरखपुर आ गए थे। अजय सिंह बिष्ट यानी कि योगी आदित्यनाथ को शुरू से ही हिंदुत्व, मंदिर, धर्म, इन सब चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट आता था। ये अपने छात्र जीवन में ही राम मंदिर आंदोलन से जुड़ गए थे। 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन के दौरान ही अजय सिंह बिष्ट की मुलाकात गोरखनाथ मंदिर के महंत अवैधनाथ से होती है। इस समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यक्रम चल रहा था। अजय यानी कि योगी महंत अवैधनाथ से इतने प्रभावित हुए थे कि आप यकीन नहीं मानेंगे कि नवंबर के महीने में, यानी कि वक्त था 1993 का, उन्होंने अपना गांव, अपना माता पिता और अपनी पढ़ाई सब कुछ छोड़ दी और इनको ही अपना गुरु मान लिया था, और बोला कि आज से बस इनकी ही शरण में रहना है। 15 फरवरी 1994 को महंत जी ने नाथ पंथ योगी के रूप में अजय का अभिषेक करा दिया। इसके बाद अजय सिंह बिष्ट योगी आदित्यनाथ के तौर पर पहचाने जाने लगे। हालांकि इतना कुछ हो गया, पर इसके बारे में ना तो उनके माँ बाप को कानो कान खबर थी और ना ही उनके दोस्तों को कुछ पता था। इनके पेरेंट्स को हमेशा यही लगता था कि उनका बेटा नौकरी या रोजगार की तलाश में गोरखपुर गया है और जल्द ही कोई सूचना देगा। लेकिन जैसे ही उन्हें अपने बेटे के बारे में ये जानकारी मिलती है कि उनका बेटा सन्यासी बनने जा रहा है, वैसे ही वो अगली ट्रेन पकड़कर गोरखपुर चले गए। मठ में जाकर उन्होंने देखा कि उनका बेटा सन्यासी की ड्रेस पहने हुए है। उस समय उनका आश्चर्य का ठिकाना नहीं था दोस्तों। माता पिता को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया। ये तो कभी होना ही नहीं था, और ना उन्होंने ये कभी ऐसा सोचा भी था कि उनका बेटा ये कदम उठाएगा। अजय को इस हाल में देखकर उनके पिता ने गुस्से से उनके ऊपर चिल्लाया। उस समय महंत अवैधनाथ मठ पर नहीं थे। इतना चिल्लाया कि वहां पर भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई थी। जैसे तैसे खैर योगी आदित्यनाथ ने ही उन्हें शांत कराया था, और बाद में जब महंत अवैधनाथ अपने स्थान पर लौटे तो उन्होंने अजय के पिता को बताया कि उनका बेटा अजय अब योगी आदित्यनाथ बन चुका है। उन्होंने अजय के माता पिता से आगे के सफर के लिए उनसे अनुमति भी मांगी। शुरुआत में तो उन्हें ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं हुआ दोस्तों, लेकिन चूंकि जिंद बेटे की थी, अब जब मैं ही नहीं चाहूंगा कि मुझे इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, तो घर वाले जबरदस्ती कुछ कैसे करा सकते हैं। कुल मिलाकर बेटे की जिद के आगे उन्हें झुकना ही पड़ा। आपको बता दें कि उस समय एबीवीपी से भी जुड़े हुए थे। जी हाँ दोस्तों, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इस संस्था से जुड़ जाने के बाद वो एक अलग किस्म के ही दिखे। यहीं से उनके अंदर राजनेता बनने की चिंगारी जली और उन्हें लगा कि उनके अंदर लीडर बनने के गुण हैं और वो राजनीति में अपना हाथ आजमा सकते हैं। दोस्तों, वहां से वो लगातार छात्रों के मुद्दे उठाया करते थे, तो इसलिए उम्मीद ये भी की जा रही थी कि इस बार अजय को ही छात्र संघ का उम्मीदवार बनाया जाएगा। लेकिन इस एबीवीपी संगठन के एक और छात्र पद्मवीश बुदलाकोटी को इसकी उम्मीदवारी सौंप दी जाती। जब एबीवीपी का टिकट नहीं मिला तो अजय निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में उस चुनाव में खड़े हो जाते हैं। अब आपको क्या लगता है दोस्तों, कि क्या योगी आदित्यनाथ अपने जीवन का पहला चुनाव जीते होंगे? अब इसका जवाब है नहीं। आपको जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन अजय अपना चुनाव हार गए। यह उनका पहला चुनाव था। उस समय निर्दलीय चुनाव लड़ना वैसे भी इतना आसान नहीं था, लेकिन इस हार से वो घबराए नहीं। या दोस्तों, आपको बता दें ये वहीं नहीं रुके थे। उन्हें
1996 में महंत वैद्यनाथ के लिए चुनाव प्रचार के मैनेजमेंट का प्रभारी बनाया गया। योगी आदित्यनाथ के पास एक बहुत बढ़िया मौका था। आखिरकार जब 1998 में महंत जी ने राजनीति से संन्यास ले लिया तो योगी ने उनकी सीट गोरखपुर से अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा था। योगी सिर्फ चुनाव ही नहीं लड़ रहे थे बल्कि गोरखपुर की सीट दांव पर लगी थी। एक ऐसी सीट जहां से महंत वैद्यनाथ ने 4 बार चुनाव जीता था और यहां पर हारना मतलब कि काफी बुरा होता। हालांकि बड़ी बात ये थी कि उसमें उन्हें जीत हासिल हुई। इसके बाद तो मानो योगी ने पीछे मुड़कर कभी देखा ही नहीं और वह 5 बार इस सीट से सांसद चुने गए। ये एक रिकॉर्ड ही था। सियासत से गलियारों में कदम रखने के बाद योगी आदित्यनाथ की छवि एक प्रखर हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर उभरी थी। सांसद रहते हुए उन्होंने गोरखपुर जिले को अपने नियम के अनुसार चलाया। बहुत सी पार्टियों की सरकारें आई और कई गई, लेकिन योगी के ऊपर इनका कोई असर नहीं पड़ा दोस्तों। मुलायम और मायावती जैसे मुख्यमंत्री भी आए, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए इनके किले को भेद नहीं पाए। अब बात सीधे 2017 पर आती है, जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला था। सबके मन में यही सवाल था कि यूपी का सीएम कौन होगा। वैसे तो सीएम के कई चेहरे दावेदार थे, केशव प्रसाद से लेकर दिनेश शर्मा तक, लेकिन आखिरी बाजी योगी आदित्यनाथ के हाथ में लगी। सीएम बनने के बाद इन्होंने जो किया वो हमारे सामने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद जहां योगी आदित्यनाथ ने एक तरफ अपराधियों को जेल में डाला तो वहीं दूसरी तरफ सबका साथ और सबका विकास के एजेंडे पर चलते हुए राज्य में कई योजनाओं की शुरुआत की। पूरे देश में राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या है और स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत कम थी। जब कोरोना के दौरान हालत खराब थे और विभिन्न शहरों से लोग वापस आ रहे थे, इसी दौरान सीएम ने फैसला किया कि राज्य सरकार लोगों को बस मुहैया कराएगी और उन्होंने लोगों को घर तक पहुंचाया। आखिरकार राज्य में कोरोना नियंत्रण करने में राज्य सरकार को सफलता तो मिली, जिसकी WHO समेत विश्व के कई देशों ने तारीफ भी की। आज के समय योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल भी काफी फेमस है। इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा दोस्तों, इसकी भी काफी तारीफ हो रही है और इसे बाकी के दूसरे राज्यों में भी लागू कर दिया जा रहा है। जी हाँ, और वैसे बात भी चल रही है कि दूसरे राज्यों में भी इनका इस्तेमाल होगा। अब दोस्तों, बुलडोजर आमतौर पर देखें तो तोड़फोड़ के लिए यूज किया जाता है, लेकिन अब यह न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि राज्य के बाहर भी सुशासन का प्रतीक बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, देश में ज्यादातर सरकारें, मुख्य रूप से BJP के नेतृत्व वाली सरकारें, अब बुलडोजर पर दांव लगा रही हैं। बुलडोजर को पहली बार जुलाई 2020 में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रमुखता दी थी, जब कानपुर के बिकरू गांव में गैंगस्टर विकास दुबे के घर को गिराने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। दुबे 8 पुलिसकर्मियों के हत्या का मुख्य आरोपी था और उसके घर पर बुलडोजर चलाना आतंकग्रस्त इलाके में त्वरित न्याय जैसा लगने लग रहा था। पैगंबर पर नुपुर शर्मा के बयान का विरोध करने वाली मुस्लिम आवाजें फिर प्रयागराज में बुलडोजर का निशाना बनी और इस तरह की कार्रवाई को हिंदू स्वीकृति मिली। इसके बाद मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे माफिया डॉनों की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को ध्वस्त करने के लिए भी बुलडोजर का ही इस्तेमाल किया गया, जो दोनों सलाखों के पीछे थे। राज्य सरकार ने बुलडोजर के दम पर ढहते माफिया के घरों, जी हाँ दोस्तों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, होटल्स और इमारतों की तस्वीरें और वीडियो खुशी खुशी जारी किए थे। तो दोस्तों, ये थी यूपी के मुख्यमंत्री की वो कहानी कि कैसे वो अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ बने थे। संन्यास से सत्ता में आने तक, महंत से मुख्यमंत्री बनने तक का सफर कुछ ऐसा था उनका। आप योगी जी के बारे में क्या सोचते हैं हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को अब तक सब्सक्राइब अगर नहीं भी किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।